0026 AG30 देख सकते हैं आप इसमें इकॉनमी क्लास 26 डाउन बावल जिक्रिया एक्सप्रेस जो है मलिर स्टेशन से थ्रू पास हो रही है इस टाइम। जबकि मलिर स्टेशन का स्टॉप कोई नहीं किया मलिर स्टेशन पर 26 डाउन बावल जिक्रिया एक्सप्रेस में। और इसे लीड कर रहा है 6323 दैट्स U30। क्योंकि ये रेलवे ऐप पर मौजूद नहीं थी ट्रेन, ये इसके बाद हमें एक 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस जो है उसका ट्रेन एक्शन देखने को मिलेगा। मेहरान एक्सप्रेस जो है वो जा चुकी है इस टाइम। लीड कर रहे हैं पावर वैन और स्टैंडर्ड इकॉनमी क्लास। डाउन ट्रैक पर एक ट्रेन एक्शन देखने को मिल रहा है हमें मलिर कैंटोनमेंट यानी कि मलिर स्टेशन पर। ZCU30 इसको लीड कर रहा है 6317। हरे भरे दरख्तों के बीच से जो है ना मलिर कैंट से होती हुई 47 और रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है ना फुल स्पीड में थ्रू पास होगी यहाँ से। उस वक्त टाइम हुआ है 12:45 और AG30R212 जो लोकोमोटिव है वो लीड कर रहा है 47 और रहमान बाबा एक्सप्रेस को। बताते चलो कि 47 और रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है कराची टू पेशावर चला करती है। इसमें कुछ ऐसी स्टैंडर्ड कोचेज हैं जो बिजनेस क्लास में भी इजाफा किया गया है। आज का सबसे तेज़ रफ्तार स्पीड एक्शन मलिर कैंट पर 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस का। सो फाइनली इंतज़ार की घड़ियों भी ख़त्म। पाकिस्तान एक्सप्रेस फुल स्पीड में थ्रू पास होते हुए 9050 GU40 लोकोमोटिव लीड करते हुए पाकिस्तान एक्सप्रेस को। सो फाइनली इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म। हाल ही में रिस्टोर होने वाली न्यू प्राइवेट रास लॉजिस्टिक के अंडर में चलने वाली ट्रेन 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस है गुज़र हो रहा है जिसका मलिर कैंट यानी मलिर कैंटोनमेंट से और स्पीड काफ़ी ज़्यादा है इसकी। लाइट्स नज़र आ रही हैं लोकोमोटिव की
015 GU40 लोकोमोटिव 36 डाउन दस सैयद एक्सप्रेस को एसी डाइनिंग कार बिजनेस क्लास लगेज में 16 कोचों पर मुश्तमिल यह 36 सर सैयद एक्सप्रेस जिसके जाते ही आज हमारे ब्लॉग का भी अख्तिताम हुआ चाहते हैं।